वेलकम बैक टू अनामिकास कुक बुक। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही आसानी से तैयार होने वाले सूजी के लड्डू की रेसिपी। बहुत ही जूसी बनते, बिल्कुल मुंह में जाके घुल जाने वाले। और मैंने इसे बिना चाशनी सिर्फ 2 चम्मच घी से तैयार किया है। बहुत ही स्वादिष्ट बनते, इसे खा के कोई ये नहीं कह पाएगा कि इसे हमने बिना मावे के तैयार किए। तो चलिए मैं अभी आपको एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि कितने स्वादिष्ट मुँह में घुल जाने वाले लड्डू बने। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इसका टेक्स्चर कितना अच्छा है। तो चलिए बिना समय गवाए जल्दी से देख लेते कैसे मैंने तैयार किए स्वादिष्ट लड्डू। फ्रेंड्स, सूजी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ले लेंगे फ्राई पैन, कढ़ाई, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसमें डाल देंगे 1 कटोरी सूजी और बिल्कुल कम आंच पे इसे हम भून लेंगे। तो चलिए आंच को बिल्कुल कम रखते हैं और लगभग 3 से 4 मिनट इसे भून लेते हैं ताकि ये अच्छे से भुन जाए। बस इस बात का ध्यान रखना है कि सूजी का कलर चेंज ना हो, नहीं तो हमारे लड्डू का भी कलर चेंज हो जाएगा। तो चलिए अच्छे से भून लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। ये देखिए फ्रेंड, सूजी को भूनते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए। इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, अगर हम इसे और भुनेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बोल में ले लेंगे। तो फ्रेंड, सारे सूजी को मैं इस बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 कटोरी दूध। तो ये देखिए उसी कटोरी से नाप के ले रही हूँ मैं, 1.5 कटोरी ले लिया मैंने। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, सूजी और दूध अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड, सूजी को मैंने अच्छे से दूध के साथ मिक्स कर दिया है। तो चलिए अब इसे 10 मिनट हम रेस्ट करने देंगे। जब तक सूजी हमारी रेस्ट करेगी हम अगला काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम ले लेंगे मिक्सी का जग और इसमें डाल देंगे 1 कटोरी चीनी। मैंने 1 कटोरी सूजी का इस्तेमाल किया है तो मैं 1 कटोरी चीनी ले रही हूँ, आप थोड़ा कम भी ले सकते हैं। साथ ही डाल देंगे 3-4 हरी इलायची, ये अच्छे से पिस जाएगा चीनी के साथ। तो चलिए इसे अच्छे से पीस के मिलती हूँ मैं आपसे। ओके फ्रेंड, चीनी को भी मैंने पीस लिया है। तो चलिए इसको एक साइड रख देते हैं और अगला काम कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम ले लेंगे कढ़ाई में ले लेंगे 1 चम्मच देसी घी। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। देसी घी में ही स्वीट बनाए, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और ज़्यादा घी का इस्तेमाल भी हम नहीं करेंगे। 1 चम्मच घी मैंने अभी लिया है, 1 चम्मच मैं अभी बाद में लूँगी। तो चलिए घी को गर्म होने देते हैं। तो जैसे ही फ्रेंड घी गर्म हो जाएगा हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 8-10 बादाम। फ्रेंड्स, 8-10 ही ले रही हूँ काजू, इस तरीके से कट करके। काजू बादाम को हम अच्छे से भून लेंगे। इस तरीके से भून के डालने से स्वाद बहुत अच्छा आएगा, इसलिए मैं भून रही हूँ। आप चाहे तो बिना भूने भी डाल सकते हैं या आप बिना ड्राई फ्रूट के भी ये लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट डालने से क्रंची स्वाद आता है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, थोड़ा सा मैंने काजू और बादाम को भून लिया है। तो इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 15-20 पिस्ता, इस तरीके से कट करके। ड्राई फ्रूट मैंने कट करके लिए हैं, आप चाहे तो साबुत ड्राई फ्रूट भी फ्राई करके उसे मिक्सी में हल्का सा दरदरा बना सकते हैं। तो चलिए पिस्ता को भी अच्छे से भून लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, पिस्ता डालने के बाद भी सिर्फ 1/2 मिनट के लिए मैंने ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लिया है। तो अब फ्रेंड, इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 कटोरी कद्दूकस किया हुआ नारियल। मैं अलग अलग टाइम पे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ क्योंकि सबका भुनने का ना टेम्परेचर जो है अलग अलग होता है। अगर मैं सब एक साथ डाल दूंगी तो कोई ड्राई फ्रूट ज़्यादा फ्राई हो जाएगा और कोई कम। तो जिसको भुनने में ज़्यादा समय लगता है उस ड्राई फ्रूट को मैंने पहले डाला है और जिसको कम समय लगता है उसे मैंने लास्ट में डाला है, इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट को अलग अलग करके डाला है। तो चलिए ड्राई फ्रूट भी अच्छा सा भुन गया है, इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। तो अब ड्राई फ्रूट्स को हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड, ड्राई फ्रूट्स को मैंने निकाल लिया कढ़ाई में से। अब इसमें मैं फिर से डाल दूंगी 1 चम्मच देसी घी। घी को गर्म होने देते हैं। तो घी गर्म हो गया है, इसमें अब हम डाल देंगे ये जो हमने सूजी भिंगो के रखी थी, इसे भींगते 10 मिनट हो गया। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया इसका टेक्स्चर। तो चलिए सारा मैं इसी में डाल दूंगी। अब सूजी को अच्छे से हम भूनेंगे, आंच को कम ही रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए हमें भूनना है।
धीरे धीरे इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा और बहुत अच्छे से सूजी हमारी भुन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए पहले तो ये दो फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन लगातार चलाते रहेंगे, आंच को कम ही रखेंगे। अभी इस तरीके से एक बार ये सूजी के लड्डू बना के देखें फ्रेंड, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और इतना आसान है बनाने का तरीका कि कोई भी इसे बना के तैयार कर सकता है। और फ्रेंड्स मैं आपको याद दिला दूं, अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आपके फैमिली फ्रेंड में जिसको भी नई नई चीज़ें ट्राई करना पसंद है उसके साथ ही वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए बातों ही बातों में ये देखिए बिल्कुल दो फॉर्म में आ गया है, लेकिन इसे छोड़ना नहीं है, इसी तरीके से हम इसे भुनते रहेंगे। इसको भुनने में थोड़ा समय लगता है, तो चलिए फ्रेंड इसी तरीके से मैं इसे भुनती रहूंगी और थोड़ी थोड़ी देर में आपको दिखाती रहूंगी किस तरीके से इसका टेक्सचर जो है चेंज होगा। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो ये देखिए फ्रेंड सूजी को भुनते लगभग मुझे 5 मिनट हो गया है और इसका टेक्सचर देखिए थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। इस तरीके से सूजी को जब आप दूध में भिंगो के इसके लड्डू बनाओगे, यकीन मानिए फ्रेंड बहुत ही जूसी और स्वादिष्ट लड्डू बनेंगे। बिना मावे के भी मावे जैसा स्वाद आएगा लड्डू में। फ्रेंड इसे और हम स्वादिष्ट बनाने के लिए अब इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कटोरी दूध की मलाई। सूजी को भूनते जब 5 मिनट हो जाए तब मलाई ऐड कर देंगे। तो चलिए मलाई डालने से एक तो ये मावे की कमी को पूरा करेगा, साथ ही हम कम घी में बना रहे हैं तो घी की कमी को भी मलाई पूरा कर देगा। बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे लड्डू। तो चलिए मलाई डालने के बाद भी अब इसे हम इसी तरीके से लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बोला इसको भूनने में लगभग 15 मिनट लग जाएंगे, 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, अभी सिर्फ 5 मिनट हुआ है। तो फ्रेंड्स मलाई को भी अच्छे से मैं मिक्स करूंगी और इसी तरीके से लगातार इसे भूनती रहूंगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे 5 मिनट बाद। ये देखिए फ्रेंड मलाई डालने के बाद भी लगभग 5 मिनट मैंने इसे भून लिया है और ये देखिए इसका टेक्सचर थोड़ा खिला खिला सा होने लग गया है, ये देखिए। तो चलिए अब इसमें ऐड कर देती हूँ मैं थोड़ा सा किशमिश, किशमिश भी इसके साथ भुन जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे 5 मिनट बाद। ये देखिए फ्रेंड किशमिश डालने के बाद भी मैंने सूजी को 5 मिनट और भून लिया है, टोटल इसे मैंने 15 मिनट भून लिया है और ये देखिए इसका कैसा खिला खिला सा टेक्सचर हो गया है। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस को बंद करने के बाद इसे थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे, बिना चाशनी के ही बनाएंगे आज हम। तो चलिए इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, लगभग 2 मिनट बाद। ये देखिए फ्रेंड मैंने इसे गैस से नीचे उतार लिया है और इसे 2 मिनट हो गया, थोड़ा ठंडा भी हो गया ये। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये ड्राई फ्रूट जो हमने फ्राई करके रखे थे, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे हुई चीनी, ये जो हमने चीनी पीस के रखी थी सारा मैं ऐड कर दूंगी, मैंने नाप के 1 कटोरी लिया था। तो चलिए चीनी के पाउडर को भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे इसमें। आप चाहें तो यहाँ पे शक्कर का जो पाउडर आता है ना वो भी मिक्स कर सकते हैं। तो चलिए पाउडर को अच्छे से मिक्स करती हूँ मैं, बस ठंडा होने के बाद मिक्स करें, गरम गरम में मिक्स नहीं करना आपको, इस बात का ध्यान रखना है। ये देखिए फ्रेंड जैसे जैसे चीनी मिक्स हो रहा है इसमें कितनी अच्छी बाइंडिंग आ रही है, तो ये देखिए कितना अच्छा बाइंडिंग आ गया इसमें। तो चलिए अब इसके बना लेते हैं लड्डू। तो मैं थोड़े थोड़े पोर्शन लूँगी और इसे इस तरीके से गोल गोल कर लूँगी, छोटे पोर्शन में लेंगे और इसे गोल गोल बना लेंगे। बहुत ईजिली इसके लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। इसका लुक और इनहेंस करने के लिए मैं ले लूँगी नारियल का बुरादा और इसमें इसे कोट कर लूँगी, इससे इसका लुक और इनहेंस हो जाएगा। बहुत ही स्वादिष्ट और मुँह में घुल जाने वाले लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए इसी तरीके से सारे लड्डू तैयार करके मिलती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स सूजी के लड्डू हमारे बनके तैयार हैं, बहुत ही आसानी से बनके तैयार होते हैं, साथ ही बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, यकीन मानिए। मैं अभी आपको एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल मुंह में जाके घुल जाने वाला। ये देखिए फ्रेंड्स इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, ये देखिए। और बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, साथ ही बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ईजी और यूनिक रेसिपीज मैं आप लोग के लिए लेके आती रहूँ। तो मिलती हैं ऐसी ईजी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय कुकिंग।